dear students, uh, we have studied the test of correlation and test of the mean differences. now we are going to study the uh, test of causation. Uh, इसमें हम जो पहला test पढ़ेंगे उसको हम simple linear regression कहते हैं। हमने correlation जब test पढ़ा था Pearson r correlation की बात कही की थी तो इसमें हमने ये discuss किया था कि uh, जो correlation है वो एसोसिएशन का टेस्ट है यानी हम उसमें दो वेरिएबल्स को आ, के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं और उसकी डायरेक्शन देखते हैं जबकि जो रिग्रेशन है रिग्रेशन अटेम्प्ट्स टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन टू ऑब्जर्व डाटा रिग्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं लीनियर रिग्रेशन होती है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है मल्टीनोमियल uh, रिग्रेशन होती है हरारकल रिग्रेशन होती है मगर जो रिग्रेशन हम इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम लीनियर रिग्रेशन करते हैं uh, कहते हैं लीनियर uh, रिग्रेशन इसको इस वजह से कहा जाता है कि हम ये टाइप ऑफ रिग्रेशन तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने लीनियर रिलेशनशिप देखना हो और uh, हमने लीनियर रिलेशनशिप की बात की थी को टेस्ट में भी के रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप के होते हैं लीनियर भी होते हैं एक्सपोनेंशियल भी होते हैं और uh, जो है लीनियर रिलेशनशिप्स भी होते हैं तो लीनियर एग्रेशन में वन वेरिएबल इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड द अदर इज़ कंसीडर्ड टू बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आपका एक वेरिएबल कॉज होता है और दूसरा आउटकम होता है जिसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पर अफेक्ट आ रहा है या उसकी वजह से उसकी जो है वैल्यू एक्सप्लेन हो रही है इसकी एजम्पन्स क्या हैं लीनियर एग्रेशन के लिए आपके जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूस लेवल पे इन नॉर्मल सिचुएशन मैयर होने चाहिए उनमें दोनों वेरिएबल्स में Uh, कोई सिग्निफिकेंट आउटलायर नहीं होना चाहिए आउटलायर क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि कोई सिग्निफिकेंट एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द डेटा तो दोनों वेरिएबल्स में कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए दोनों वेरिएबल का अगर स्कैटर प्लॉट बनाएं तो उनमें कोई एक लीनियर रिलेशनशिप नज़र आना चाहिए और दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए याद रखें कि ये वेरिएबल अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर आपका लीनियर रिग्रेशन का टेस्ट इन पे नहीं लगेगा अब इसका प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट को कंडक्ट करने का हम आ, इसके लिए एनालाइज पे आएंगे एनालाइज पे आने के बाद हम रिग्रेशन पे जाएंगे और रिग्रेशन में से हम लीनियर रिग्रेशन सेलेक्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन को सिलेक्ट करने के बाद आप जिन वेरिएबल्स पे ये टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पर ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल एफिकेसी के दरमियान रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ बाय एज्यूमिंग पॉलिटिकल एफिकेसी एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स को क्लिक करूँगा और वहाँ पर मॉडल फिट के साथ डिस्क्रिप्टिव और एस्टिमेट्स uh, और प्लॉट्स में से हिस्टोग्राम और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट को सिलेक्ट कर लूँगा जब हम इसको सिलेक्ट करके ओके okay करेंगे तो हमारे पास आउटकम में ये दो पहले हम ये देखेंगे ग्राफ्स आएंगे इसको हम uh, जो हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व और इसको हम क्यों पी ऑफ रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज uh, रिजिडुअल कहते हैं तो हमें ये इसमें देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें एक रेजिडल्स uh, जो हैं, वो लीनियर लाइन line के साथ साथ ही हैं और इस रिलेशनशिप में एक लाइन फिट हो रही है और दूसरी तरफ अगर हम देखें हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कव तो उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो uh, जो नॉर्मल कव बन रही है वो आइडियल uh, एक तरह की ही है यानी वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को ही शो कर रही है इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर मॉडल समरी अनोवा का टेबल और कॉफिशेंट्स अब मॉडल समरी में हमारे पास आर uh, स्क्र है और एडजस्टेड आर स्क्र आफ्टर एडजस्टिंग द स्टैंडर्ड एरर है और हमारे पास आर uh, की वैल्यू है ये आर वही आर है जो कि हमने पी एरस एन आर कैल्कुलेशन में जब पी आर को कंप्यूट किया था तो ये आर एक्चुअली वही आर है और इसी आर को अगर हम स्केयर कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है इसके बाद हमारे पास अनोवा की वैल्यू ये मॉडल ये फ़िट के लिए है तो इधर हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा मॉडल फ़िट है क्योंकि सिक की वैल्यू पॉइंट ज़ीरो फाइव से कम है इसमें एक्स एफ़ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है इसमें हम जो है आ, इसको कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन को रेजिड रेग्रेसन को जो है हम रेजिडल से डिवाइड करें तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ जाती है कॉफिशेंट्स की बात करें तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है पोलिटिकल एफिकेसी का हमारे पास बीटा वन पॉइंट टू नाइन जीरो है और स्टैंडर्डाइज कॉफिशेंट बीटा हमारे पास पॉइंट फाइव जीरो है जो कि ये वाला आर ही है और ये दोनों जो हम अगर देखें तो ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो इस मॉडल से हमें यह पता चलता है कि ये वेरिएबल जो है पॉलिटिकल एफिकेसी का वो 25 परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द वेरिएंस एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंट uh, वेरिएबल का और ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है थोरिटिकली अगर हम देखें तो ये बात हमें एक्यूरेट uh, लगती है दुरुस्त लगती है ये प्रोपोजिशन कि जिसकी पॉलिटिकल एफिकेसी ज़्यादा होगी उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगी